आपको पता नहीं आपका नाम क्या है, घर कहाँ है, सही सही। हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा था, अच्छा हम आ गए यहाँ पे खाने, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। हाल ही में सोशल मीडिया पर भोपाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शादी में बिना बुलाए पहुंचे एक युवक को बारातियों ने बेइज्जत कर उससे प्लेटें साफ कराई थी। अब बिहार में भी एक ऐसा ही मामला आया है, लेकिन युवक को बेइज्जत नहीं किया गया, बल्कि उसे दूल्हे ने दोस्तों के लिए भी खाना ले जाने के लिए कहा। तो हम आए हुए हैं एक भैया के शादी में, हमको पता नहीं था चूंकि कि इनका शादी है। थोड़ा सा अपने मन से यहाँ क्या आपके शादी में हम आए हैं और हमको पता नहीं आपका नाम क्या है, घर कहाँ है, सही सही। हम हॉस्टल में रहते हैं, हमको भूख लगा था, अच्छा हम आ गए यहाँ पे खाने, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मतलब ऐसे चल रहा था वहाँ पे, अच्छा, तो हम सोचे क्या कि घुस के खा लेते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बनाए नहीं थे आज। अच्छा 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 अच्छा, तो इसीलिए हम सोचे एक बार आपको बोल रहे हैं, ऐसे शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ एकदम, बस यही बोलना था। अब अपना हॉस्टल के लिए भी लेते जाना, हॉस्टल ठीक है, ठीक है, हाँ खा लेते हैं, तो ठीक है, बच्चा लोग के लिए भी गाल लेते जाना। एकदम एकदम ठीक है भैया, ठीक है।